है ना। और एक बात मैं आपको और क्लियर करूँ, हम कभी यही सोचते हैं वेजिटेरियन खाना खाओ, ठीक है ना। वेजिटेरियन खाना आप देखें 80% पॉपुलर इंडिया में तो वेजिटेरियन खाना खाती है, वहाँ क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ अगर आप मुसलमान नहीं है या कोई रिलीजियस कोई प्रेफरेंस है आपके कि आप गोश्त खाएं, और मैं मुसलमानों को भी कहता हूँ कि गोश्त खाना ऐसा नहीं कोई फ़र्ज़ हो गया गोश्त खाना, ठीक है ना। आप बेहतरीन मुसलमान हो सकते हैं बाहर गोश्त खाए हुए, ठीक है ना। आप वेजिटेरियन बन जाए कोई मसला नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक गोश्त एक अच्छी चीज़ है, उसको ज़रूर मैं तो कहता हूँ मरीज से थोड़ा बहुत खाओ, अगर आपको कोई रिलीजियस प्रेफरेंसेज नहीं है तो खाएं, अगर है तो फिर उसके भी पर ऑप्शन है आप, यानी आपको थोड़ा सा यानी अच्छी, क्योंकि गोश्त के लिए गोश्त की क्यों मैं बोलता हूँ कभी खाने को, दो चीज़ बोलता हूँ गोश्त के बारे में कि एक तो बहुत से लोग ये समझते हैं खासतौर से मुसलमान लोग कि भाई रोज़ाना गोश्त खाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था, आप जो सो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना गोश्त खाएगा, गोश्त ही खाया सिर्फ है ना। तो यानी कम एक तो क्वान्टिटी खाते थे, दूसरे और भी चीज़ें है ना। तीसरे ये कि अल्लाह की इतनी सारी नियामत है उससे महरूम हो जाएंगे हम गोश्त खाते रहेंगे। चौथे है कि कोई भी चीज़ें ज्यादती तो नुकसान देती है ना। तो लेकिन गोश्त मैं बोलता क्यों खाने के लिए कभी कभी उसकी बजाय कि खास तौर से रेड मीट, लोग रेड मीट को मना कर देते हैं, हम तो रेड मीट को बोलते सब खाओ, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी मैटर्स, दैट्स द फर्स्ट गोल्डन रूल कि आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी किसी चीज़ की। अच्छा क्यों? क्योंकि गोश्त के अंदर कोई भी फर्स्ट ऐसा समझ लें एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन के अंदर एक कंप्लीट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होती है जो आपको वेजिटेरियन सोर्स से नहीं मिलती, जो क्वालिटी अमीनो एसिड्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ देखिए इसकी तरफ ध्यान दीजिए कि आपको बहुत सारे बीन्स और दालें ऐसे मल्टीपल ऐसे खाने पड़ेंगे उसको, यानी टू गेट ऑल द अमीनो एसिड्स विच आर बॉडी नीड्स। लेकिन गोश्त के अंदर वो सिनर्जिस्टिकली मिल जाती हैं वो सारी चीज़ें। अच्छा दूसरी एक चीज़ है खासतौर से रेड मीट के अंदर B12, वाइटामिन B12, और ये इसके सिर्फ एनिमल सोर्स है, यानी कि वेजिटेबल सोर्स इसकी मेरे हिसाब से नहीं है। एक आधे तो इसमें इतनी कम है, यानी है वेजिटेबल है लेकिन इतनी कम मकदार है कि जो हमारे जिसम को जो रिक्वायरमेंट है RDA जो है रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस उसको फुलफिल नहीं करती है वो चीज़। मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था तो उसमें एक साथ थे, लेक्चर के बाद उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर एक है वेजिटेरियन सोर्स B12 की, वो क्या है? स्पिरुलिना। एक स्पिरुलिना एक एल्गी होती है जो कि समंदर में पाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि इसके जो स्टडी ये कहती है कि इसके अंदर यानी स्पिरुलिना के अंदर B12 गोश्त के बिल्कुल बराबर है बल्कि उससे ज़्यादा है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैं कह ये बताइए आप कितनी स्पिरुलिना इस्तेमाल करते हैं? कहने लगे एक चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो मैं कहा ठीक है। अब मैंने उनसे कहा कि देखिए स्टडी आपने पूरी नहीं पढ़ी, ये सब बहुत सी चीज़ें एस्टरिस्क में फाइन प्रिंटिंग में लिखी होती हैं बहुत सी चीज़ें। स्टडी ये कहती है कि पाउंड पर पाउंड या किलोग्राम पर किलोग्राम अगर आप एक किलो स्पिरुलिना लें और एक किलो मीट लें तो फिर ये बराबर होगी या इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होगी स्पिरुलिना में, ठीक है ना। लेकिन आपने जो कहा एक टीस्पून लेते हैं, हम तो गोश्त खाते हैं 200 ग्राम गोश्त खा लेते हैं, 150-200 ग्राम है ना। तो अगर आप 150-200 ग्राम स्पिरुलिना खाएंगे तब जाकर आप जाकर आपको इतनी B12 मिलेगी जो कि रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी के लिए, और वो आप खा नहीं सकते। एक तो इतनी सारी महंगी आती है ना, आपके सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, दूसरे आप उसके साथ इतनी और वो पॉइजनिंग हो जाएगी क्योंकि आप इतनी स्पिरुलिना खा ही नहीं सकते, उसके अंदर आप पूरे ग्रीन नज़र आएंगे बिल्कुल, है ना। फिर ये बताइए आप ये स्पिरुलिना कितने दिन से लोग जानते हैं, और फिर जापान में होती है ज़्यादातर, अब लोग उसको जाने लगे। अल्लाह सुभान करीम ने पूरी इंसानियत को बनाया कि जुल्म किया सबके ऊपर, अल्लाह के हिसाब तो सबके साथ शुरू से ऐसी कुछ चीज़ बनाई होगी ना अल्लाह ने कि जो सबके लिए पहले से हमेशा से मिल जाए, फिर अफोर्डेबल नहीं है किसी के लिए, और फिर मिल नहीं पाए। आप चाहे भी अफोर्ड कर सके आप खा नहीं सकते 150 ग्राम। तो ये चीज़ें वो समझने की। तो मैं जो वेजिटेरियन जो लोग हैं तो उनसे मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ कि आप B12 वाइटामिन एक्स्ट्रा लें अलग से, बल्कि मेरे किसी जानने वालों की वेबसाइट है वेजिटेरियन सोसाइटी, उनको पसंद है वेजिटेरियन, बहरहाल विद ड्यू रेस्पेक्ट, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि ठीक है आप जो प्रमोट कर रहे हैं लेकिन प्लीज़ अपनी वेबसाइट के ऊपर ये लिखिए सबसे पहले कि इफ़ यू आर वीगन और वेजिटेरियन मेक श्योर यू टेक एक्स्ट्रा B vitamin 12 फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स सप्लीमेंट के शक्ल में, कि आप ज़रूर आपको B12 वाइटामिन लेना चाहिए।
B12 डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं, नर्व्स डिसऑर्डर होते हैं, और बल्कि B12 यानी होमोसिस्टीन लेवल होता है जिससे कि इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एंड वो होमोसिस्टीन लेवल, इंक्रीज्ड होमोसिस्टीन लेवल हार्ट कंडीशन, दिल की बीमारी की एक वजह है, रिस्क फैक्टर है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उसका ख्याल रखना है।